तो लिखा गया नाइन टाइम्स ऑफ आर और वायर इज स्ट्रेच्ड थिंग ये जो मैंने बनाया है बेटा हेलो बच्चों मैं जी के श्रीवास्तव आपका फिजिक्स टीचर पिछली क्लास में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला पार्ट पढ़ाया था जैसे मैंने आपको करंट क्या होता है करंट कितने टाइप का बताया था मैंने आपको रेजिस्टेंस ओम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी के बारे में बताया था मैंने आपको बताया था रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला रो दिस आर ए बाई एल मैंने आपसे बोला था कि अगर एल वन मीटर ले लिया जाए और एरिया वन मीटर स्क्वायर ले लिया जाए तो रो टू होता है आर ए बाई एल आर इनटू वन बाई वन जो रो होता है वो आपका आर के बराबर हो जाएगा इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफर बाई अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड एच स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी मैंने आपको समझाया था सर रो दिसर बाई मीटर सर लिखा गया ओम मीटर यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम मीटर एक छोटा सा था वायर को स्ट्रच कीजिए ट्विस्ट कीजिए बेंड कीजिए एक वायर को स्ट्रेच कीजिए कीजिए बेंड कीजिए उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा तो अगर देखा जाए तो रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने अंदर से करंट के फ्लो का क्या करता है अपोज करता है कुछ ऐसी ही डेफिनेशन रेजिस्टेंस की है तो दोनों में फर्क क्या है फर्क ये है जैसे इंसान और इंसानियत इंसानियत दिस इज एडजेक्टिव और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो रेजिस्टेंस है सिमिलरली रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है और जो उसका एडजेक्टिव है ना बेटा वो क्या आपका रेजिस्टेंस है राइट अब इसके भी आप पे कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें पढ़ना है आइए देखते हैं सर सर क्वेश्चन नंबर वन आ गया एक वायर है उसे खींचा गया अ वायर इज स्ट्रेच्ड इट्स लेंथ बिकम्स थ्री परसेंट थ्री टाइम्स लॉन्गर एक वायर को खींचा गया उसकी लंबाई पहले की तीन गुनी हो गई और वायर इज़ स्ट्रेच इट्स लेंथ बिकम्स थ्री टाइम्स लॉन्गर वॉट इज न्यू रेजिस्टेंस इफ इनिशियल इज आर ये देखो सर लिखा गया यहां पे इनिशियल इनिशियल रेजिस्टेंस है आर वन जिसको आप आर मान सकते हो इसकी इनिशियल को मैंने एल मान लिया

सर जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा अगर इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, आ रहा है। तो सुनो भैया सबसे पहले स्टेप वन मैंने लिखा सर इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम सर क्या वॉल्यूम कभी चेंज होता है नहीं तो इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम सर लिखा गया ए वन एल वन एंड फाइनल वॉल्यूम लिखा गया ए टू एल टू सर हमें चाहिए ए वन बाई ए टू हमें चाहिए एल टू बाई एल एल टू लिखा गया थ्री एल बाई एल सॉल्व किया गया थ्री रेशियो बना गया ये पहला पार्ट है अब लिखा गया स्टेप टू स्टेप टू सर लिखा गया रेजिस्टिविटी रोवन इक्वल टू रोटू है बेटा ना रेजिस्टिविटी नो चेंज क्या लिखा गया नो चेंज रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो दैट्स टू रोटू सर लिखा गया यहां पे आर वन इंटू ए वन बाई एल वन

जो रेजिस्टेंस था पहले का गुना हो गया तो स्टेपिंग में सबसे पहले क्या लिखा गया सर वॉल्यूम को इक्वेट करके एरिया का रेशियो निकाल लिया गया रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी सर उसको निकाल निकाल करके करके इक्वेट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को निकाल लिया गया रेजिस्टेंस पहले का कितना हो गया नाइन गुना हो गया तो अगर एक वायर को खींचा जाए उसकी लंबाई पहले की तीन गुनी हो जाए रेजिस्टेंस पहले का नाइन टाइम्स हो जाएगा करने का तरीका रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा अब एक छोटी सी बात ध्यान से देखेगा सर हमने लिखा यहां पे नोट और लिखा मैंने सर लिख दिया मैंने आर टू इक्व स्क्र एन का मतलब है टाइम्स ध्यान रखना बेटा ये फॉर्मूला स्ट्रेचिंग के लिए है ये फॉर्मूला स्ट्रेचिंग के लिए फॉर एमसीक्यूज जैसे अभी आपने बोला ना एक बार को खींचा गया उसके अलावा पहले की तीन गुनी हो गई पुट एन इक्व टू थ्री एन टाइम्स थ्री टाइम पुट एन इक्व थ्री देखो कितना आएगा नाइन टाइम्स अब आर आ जाएगा

अगला क्वेश्चन देखिए सर अगला क्वेश्चन है, तो गया एक है, एक वायर उसको ट्विस्ट किया गया मरोड़ा गया इज ट्विस्टेड इट्स थिकनेस, थिकनेस का मतलब यार रेडियस से है, कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ इनिशियल रेजिस्टेंस इज आर कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ इनिशियल रेजिस्टेंस इज आर आइए देखते हैं सबसे पहले लिखा गया इनिशियल ये देखिए एक वायर लिया गया इसका इनिशियल आवन को मैंने मान लिया आर है इसकी इनिशियल एलवन मान ली गई और एरिया एवन सर लिखा गया पाई आर का स्क्वायर सर हम यहां आर को थिकनेस मान सकते हैं थिकनेस अब गया भैया जी फाइनली कहा गया इस वायर को ट्विस्ट किया गया देखो ट्विस्ट करोगे तो लंबाई क्या होगी कम होती है लाई लेंथ घट करके एल टू हो गई रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पता करो और कहा गया इसकी जो थिकनेस है वो पहले की थ्री टाइम्स हो गई तीन गुनी हो गई बोला ना थिकनेस हम रेडियस दे सकते हैं तीन गुनी हो गई तो थ्री थ्री टाइम्स ऑफ आर क्योंकि इनिशियल थिकनेस को आपने आर मान रखा है तो जो ए टू लिखा गया वो लिखा गया नाइन पाई आर का स्क्वायर अब आया सर स्टेप वन सर लिखा गया इनिशियल वॉल्यूम क्वल टू फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से लिखा गया एवन एल वन और साथ में ए टू एल टू बेटर आगे लिखा गया एल टू बाई एल वन राइट या उल्टा कर लेते हैं हाँ जी ये देखो सर हमने निकाला सर यहां से एल टू बाई एल वन तो आप लिखेंगे ए वन बाई ए टू जी एवन बाई ए टू ए वन की जो लिखा गया R का स्क्वायर और ए टू लिखा गया नाइन पाई आर का स्क्वायर सर सॉल्व होकर क्या निकला मतलब हमें एक्चुअल में एरिया तो पता गया रो वन इक्व टू रो टू जो मैंने बोला था ना रेजिस्टिविटी नो चेंज रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या लिखेंगे बोलिए आप लिखेंगे A1, L1. सौरी, सौरी, सौरी. सर, आर वन इंटू ए वन बाई एलेवन शुड बीव टू आर टू इंटू ए टू बाई एल टू यस रो का निकालना है R2. तो देंगे सर, L2 by L1. Yes, सर साथ में A1 by A2 और साथ में क्या लिखेंगे आर वन राइट चल बेटा ध्यान से देखो. सर आर टू एल टू बाई एलेवन सर लिखा वन बाई नाइन सर ए वन पाई आर का स्क्वायर यहां लिखा गया नाइन पाई आर का स्क्वायर और आर वन की जय आर लिया मैंने बेटा तो जो आर टू निकला बेटा वो तो निकला आर बाई एटी वन लो भाई जो नया निकला पहले का पार्ट के क्या हो गया बराबर हो गया इसका मतलब ध्यान से सुनो एक को करोगे लंबाई घटेगी क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगी और बढ़ेगी तो मैंने आपको समझाया था आर इन टू एरिया एरिया बढ़ेगी तो रजिस्टेंस क्या होगा कम होगा देख लो क्या आ रहा है कम आ रहा है देखा ध्यान से आपने आपने ट्विस्ट किया बेंड किया रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क पड़ा नहीं लेकिन रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ा स्ट्रेचिंग के दौरान रेजिस्टेंस बढ़ गया और ट्विस्टिंग के दौरान रेजिस्टेंस क्या हो गया घट गया अब इसके लिए देखिए देखिए सर सर इसके लिए भी ट्रिक है वो सर। हम लिख सकते हैं नोट के फॉर्म में पहला ध्यान से सुनना आपने लिखा था आर टूल टू एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर वन ये किसके लिए था स्ट्रेच के लिए था जब वायर को आप स्ट्रेच करोगे यहां पे एन का मतलब क्या था बोलो टाइम्स इतने गुना कर दिया गया चलो अब दूसरा देखो सर।, तो सर लिखा गया आर टू आर वन डिवाइड के लिए सर इसके लिए सर। के लिए के लिए। एक बार को देंगे। यस, उसकी थिकनेस क्या होगी आपकी बढ़ेगी तो जैसे अभी इस क्वेश्चन में क्या देखा एक बार को ट्विस्ट किया गया उसकी थिकनेस पहले की तीन गुणी हो गई बुटेनिक्वेस्ट टू थ्री बुटेनिक्वेस्ट टू थ्री ओके थ्री तो फॉर फोर कितना होता है बेटा बोलो देखो आपका जवाब आ गया तो कुल के, के लिए इन दोनों को याद रख लीजिए सर ये स्ट्रेचिंग के लिए हुआ ये क्या हुआ ट्विस्टिंग के लिए हुआ इसका इस्तेमाल जब लेंथ बढ़ेगा नीचे वाले का इस्तेमाल जब उसकी रेडियस मतलब थिकनेस क्या होगी आपकी बढ़ेगी सर राइट दोनों में एक चीज कॉमन थी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुई राइट चलिए अगला क्वेश्चन करवाते हैं सर सर क्वेश्चन क्या है सर क्वेश्चन ये है कि भाई एक वायर है उसका रेजिस्टेंस 16 ओम है, है. 16 ओम है अब आवर रेजिस्टेंस 16 ओम इज कट इनटू फोर इक्वल पार्ट्स एक बार जिसका रेजिस्टेंस 16 ओम है उसे चार इक्वल पार्ट्स में काट दिया गया लेंथ के लॉन्ग, चार इक्वल पार्ट्स में काट दिया गया एंड देन अगेन और अब हर पार्ट को खींचकर उसे इनिशियल लेंथ तक लाया गया एवरी पार्ट आर स्ट्रेच्ड अप टू इट्स इनिशियल लेंथ एंड फाइनली और जितने पार्ट्स आए लास्ट में चारों पार्ट उन्हें पैरल में जोड़ दिया गया बताइए इस पैरल ग्रुपिंग का नेट रेजिस्टेंस क्या होगा आव 16 ओम, 16 ओम, आव क्वेश्चन काट दिया गया एंड ईच पार्ट आर स्ट्रेच टू इट्स इनिशियल और हर हिस्से को खींच करके उसे इनिशियल तक ले जाया गया फाइनली ऑल स्ट्रेच पार्ट आर कनेक्टेड टूगेदर इन पैरल बाद में उन चारों हिस्सों को पैरल में जोड़ दिया गया कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस ऑफ पैरल ग्रुपिंग सुनेगा सर एक वायर था जिसका में रजिस्टर है, है, है सर सबसे पहले स्टेप वन ध्यान से सुनना बेटा इनको चार हिस्सों में काट दिया गया ध्यान से देखना बेटा सर लंबाई एलवाई फोर लंबाई एलवाई फोर लंबाई L बाई फोर लंबाई L बाई फोर तो रेजिस्टेंस आर वन इसका लिखा गया फोर ओम रेजिस्टेंस आर वन फोर ओम रेजिस्टेंस आर वन फोर ओम रेजिस्टेंस आर वन फोर ओम अब मैंने सबको आर क्यों माना क्योंकि सारे आइडेंटिकल हैं भाई रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ यस सर एल मीटर इससे का रेजिस्टेंस कितना है सोलह है तो L बाई फोर का कितना होगा ऑफ कोर्स कितना हो गया तो ए, आर बाई फोर ओम आ गया अब लिखेंगे स्टेप टू ध्यान से देखना बेटा कहा गया हर हिस्से को खींच करके इनिशियल लेंथ तक ले जाते हैं बेटा इनिशियल लेंथ इसको भी खींच करके इनिशियल लेंथ तक ले गए सर इसको भी खींच करके इनिशियल लेंथ तक ले गए सर इस वाले को भी खींच करके इनिशियल लेंथ तक ले गए अब मान लिया गया अब रेजिस्टेंस सबका कितना हो गया आर टू चेंज तो होगा क्योंकि आपने खींचा है सोनिए तो आर टू इक्वल्स टू एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर वन n स्क्वायर टाइम्स ऑफ r1 सर n स्क्वायर टाइम्स ऑफ r1 और n स्क्वायर टाइम्स ऑफ r1 चल भैया बताएंगे n कितना हो गया यस एल बाय फोर से कितना हो गया एल राइट कागज ना हर से को खींच के इनिशियल लेंथ तक ले गए अब इनिशियल लेंथ कितना बोलो एल है अगर एल बाय फोर से एल गए तो चार गुना हो गया यस yes, सर तो लिखा गया 4 स्क्वायर और r1 कितना निकल आपने 4 ले भैया निकल गया 64 ओम ये भी कितना निकलेगा 64 फोर यह भी कितना निकला 64 फोर यह भी कितना निकला 64 आ गया अब आया स्टेप थ्री यहां देखिए स्टेप थ्री का इन चारों हिस्सों को पैरल में जोड़ दिया गया लीजिए एक दो तीन एंड चार ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड टुगेदर इन पैरल ए और बी के बीच सर 64 64, 64, 64, ओम 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 यही था बेटा बताइए इनका नेट रेजिस्टेंस कितना एक बेटा सोलह yes. तो जो एस निकला वो तो निकल गया सिक्सटीन ओम यस मतलब जितना रेजिस्टेंस पहले था लौट के उतना ही आ गया कंसेप्ट क्या है कंसेप्ट यह है एक वायर लीजिए उसका एडिशियल रेजिस्टेंस जो भी मान लीजिए आप ठीक उस वायर को इक्वल पार्ट्स में कट कीजिए मैंने बोला इक्वल पार्ट्स में कट कीजिए और हर हिस्से को खींच करके उसे इनिशियल में? में, तो नेट रेजिस्टेंस लौट के वही आता है जो आपका इनिशियल का था राइट इसमें किस फंडे का इस्तेमाल किया गया बेटा इसमें इस स्ट्रेचिंग का किया राइट अगला क्वेश्चन देखते हैं सर नेक्स्ट Sir, अगला क्वेश्चन है एक वायर है जिसे स्ट्रेच किया गया जिसे स्ट्रेच किया गया ताकि इसकी लंबाई वन परसेंट इंप्रूव कर जाए बढ़ जाए स्ट्रेच एज इट्स बिकम्स वन परसेंट लॉन्गर देन इनिशियल कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ वायर अ वायर इज स्ट्रेच्ड, अ वायर इज स्ट्रेच स्ट्रेच्ड एट इट्स बिकम्स वन परसेंट लॉन्गर देन इनिशियल कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस आइए सर लिखा गया इनिशियल ये देखो बेटा एक वायर है इसका इनिशियल रेजिस्टेंस आर वन है जिसे आप आर भी मान सकते हो भैया इसकी इनिशियल लेंथ एल वन क्या बेटा बोलो एल है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बोलो ए वन है सर बता क्या रहे भाई ये ये कह रहे इसे खींचो लंबाई खींच दिया इसका फाइनल सर क्या बोला गया इसे खींचा गया ताकि इसकी लंबाई पहले की वन परसेंट इनक्रीज कर गई पहले कितना था प्लस सॉरी एल इंक्रीज के लिए साइन के लाओगे प्लस कितना परसेंट वन परसेंट किसका एल का मतलब आपको इसके इनिशियल लेंथ में उसी लेंथ का वन परसेंट क्या करना पड़ेगा एड करना पड़ेगा आइए सर सॉल्व कर लेते हैं बेटा तो लिखा गया एल बाई हंड्रेड जी तो निकल गया हंड्रेड वन डिवाइड बाई हंड्रेड टाइम्स ऑफ खींचोगे एरिया क्या होगा कम हो जाएगा वार कितनी घटेगी एरिया डिक्रीज कर जाएगी हो गया अब देखो स्टेप अभी भी वही है सर स्टेप वन जी हम लिखेंगे इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम

आप चाहो लिख दो सर रेजिस्टिविटी नो चेंज ठीक है बच्चे लो जी रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा आइए सर लिखा गया आर वन इंटू ए वन बाई एल वन शुड बी टू आर टू इंटू ए टू बाई एल टू अब जरा आप यहां ध्यान से देखेगा सर हम यहां निकालते हैं आर टू बाई आर वन जी सर आर टू बाई आर वन निकालते हैं क्या कर लिया सर इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा ए वन बाई ए टू और साथ में एल टू बाई एल वन चेक करो बेटा ये एल वन है हाँ जी हम निकालते हैं देखो आर वन यहां इधर और ए टू इधर ये बेटा ये आपका एल वन है एल वन ओके हाँ जी सर अब सुनो आर टू बाई आर वन सर ये आपने निकाला बेटा कैसे चेक कर लो ए वन बाई ए टू कितना निकाल बोलो हंड्रेड वन बाई हंड्रेड और सर एल टू बाई एलवन एल टू सर हंड्रेड वन बाई हंड्रेड टाइम्स ऑफ एल और डिवाइड बाई एल Pencil हो गया बेटा गया तो आर टू बाई आर वन लिखा गया हंड्रेड बाई हंड्रेड का स्क्वायर, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यस, yes. देखो यही so, आएगा तो किया क्यों मैं बताता हूं देखिए रफ वर्क है सर फॉर्मूला होता x m. Mx. है छोटा होना चाहिए वन प्लस एक्स टू पावर एम इक्वल टू वन प्लस एम एक्स सत्य एक्स एक से छोटा होना चाहिए कौन सा आइए अगर हम सॉल्व थर्म पैनमिले वन प्लस एम इन टू एक्स बेटा सॉल्व करोगे वन बाई फिफ्टी आएगा यस सर कट गया अब मैंने इसी चीज को यहां कर दिया आर टू बाई आर वन लिख दिया मैंने वन प्लस वन बाई फिफ्टी जी इसको मैंने यहां पुट कर दिया अब देखना बेटा हमने क्या लिखा r2/r1 1 तो लिखा गया 1/50 सर इसको सॉल्व करिए तो लिखा गया r2 r1 बाय कितना हो गया r1 सर लिखा गया 1/50 आगे की कहानी पता r2 और r1 को क्या कहते हैं डेल्टा r और भाई लिखा गया r1 सर लिखा गया 1/50 सर डेल्टा r r1 100 सर लिखा गया वन बाई फिफ्टी मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड सर इसको सॉल्व करो क्या निकलेगा टू परसेंट पढ़ो डेल्टा आर बाई आर वन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड इसको क्या कहते हो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकल गया कि अगर किसी वायर को खींचने से उसकी लंबाई में एक परसेंट का इंप्रूवमेंट होता है तो उसकी रेजिस्टेंस में टू परसेंट का इंप्रूवमेंट हो जाएगा एक तरीका था जिसे मैंने वेरीफाई किया मैं इसको आपको शॉर्टकट भी समझा सकता हूं कैसे ज़्यादा ध्यान से देखिएगा बात किसकी आई बेटा स्ट्रेचिंग की आई ना आइए तो स्ट्रेचिंग का क्या था बताएंगे लिखा R2 N R1. R N तो N बेटा चलिए अब लिखते हैं सर डेल्टा आर बाई आर मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड इसके लिए परसेंटेज चेंज इसके लिखेंगे टू इन टू डेल्टा एन बाई एन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड और इन परसेंट और बताया ना परसेंटेज एरर अगर आप इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हो या परसेंटेज चेंज इक्वेशन तो पावर को आगे कर देते हैं भैया जी देखिए ये आपको कितने परसेंट गिवन है सॉल्व किया so, गया गया कितना हो सर क्या so, क्या लिखोगे इंक्रीज इंक्रीज को increase? क्योंकि लेंथ बढ़ने से भी क्या आपका बढ़ता है तो कुल मिला के बात हुई सर एक थॉट वाइज था और एक आप एमसीक्यू के अकॉर्डिंग में ऐसे भी कर सकते हो राइट इन तमाम क्वेश्चन में एक चीज आपको सीखने को मिली रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुआ वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ रेजिस्टेंस क्या हुआ चेंज हुआ अगला क्वेश्चन देखते हैं सर सर ये देखिए सर हमारे पास एक चलो कंडक्टर है जी सर ध्यान से देखिएगा सर जिसकी वाली रेडियस आर के बराबर है और लंबाई कितनी है एल है वो तो लास्ट में शो कर देंगे जिस मेटल का बना हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी रोवन है कितनी है रोवन है अब करना क्या है बेटा करना है इसके ऊपर किसी दूसरे मेटल की कवरिंग की गई ये देखिए सर इसके ऊपर किसी दूसरे मेटल की कवरिंग कर दी गई देखा गया इसकी जो फाइनल रेडियस होगी कितनी बेटा टू आर लेंथ कितना भैया जी एल है ठीक है ध्यान रखना सर कवरिंग ये जो मैंने बनाया ना बेटा ये है कवरिंग ये जो दूसरे मेटल की पहले वाले पे कवरिंग कर दी गई इतनी जिसको आप गैलोनाइजेशन भी कह सकते हो या कोटिंग या प्लेटिंग भी कह सकते हो सर लो जी ताकि इसकी फाइनल रेडियस कितनी हो गई आर हो गई Sir, जिसकी कोटिंग की गई वो मेटल अलग है उसकी रेजिस्टिविटी कितनी बोलो रोटू है पूछा गया फाइंड नेट रेजिस्टेंस बताइए इस पूरे डायग्राम का इस पूरे फिगर का नेट रेजिस्टेंस क्या होगा ये आपका क्वेश्चन है आइए सर हम आते हैं सॉल्यूशन में चलिए सर देखते हैं सॉल्यूशन में बेटा सॉल्यूशन में सर अंडा एटे बेटा रो दैट्स इक्वल टू आर ए बाई एल सर अगर आप यहां से आर निकालोगे चैम्प तो लिखोगे रो इन टू एल बाई ए लिखोगे लिखोगे चलिए अगर मैं बात करूं सर पहले आर वन इस व्हाइट वाले पार्ट का सर सर रो किसे जगह रो वन एल और एरिया सर पाई आर का स्क्वायर जी सर ये वाली एरिया कितनी होगी r का स्क्वायर आइए अब एक काम करते हैं जरा मैं बाहर वाले का से निकालता हूं सर आर टू फॉर्मूला आप कहिएगा सर सर लिखेंगे रो टू एल लेकिन जब बात एरिया की आई तो लिखा गया पाई इंटू टू आर का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर ध्यान सुनना एरिया क्या किया मैंने सब पूरी एरिया में से अंदर वाली एरिया को क्या किया माइनस किया क्यों क्योंकि बेटा जी मेरे को सिर्फ इतने हिस्से का ही चाहिए तो इतने हिस्से की एरिया कैसे निकलेगी सर जब पूरे में से अंदर वाले को क्या करेंगे माइनस कर डालेंगे सर लिखा गया रो टू इंटू एल डिवाइड बाई थ्री पाई और इंटू कितना हो गया आर का स्क्वायर आ गया अब ध्यान से देखो आर वन आर टू एक के बाद एक है ऑन ईच अदर इन पैरल चले मान लिया गया उसका हम लिखेंगे R. R1, R2. R1. R1 के लिखा गया, इसे उल्टा करोगे तो लिखोगे पाई आर का स्क्वायर सर लिखा गया रो वन इंटू एल और लिखा गया थ्री पाई आर का स्क्वायर डिवाइड बाई रो टू इंटू एल सर वन बाई आर जी सर हमने इसमें एल से लिया रो वन रो टू और इंटू एल सही लिख रहा बेटा यस सर आर वन आर टू मैंने गलत लिख दिया भाई एक मिनट को बेटा यस सर आइए सर वन बाई आर जी बेटा बताइए आर वन आर वन की वैल्यू मेरी ये निकली ना उल्टा करोगे सही लिखा था बाई आर का स्क्वायर डिवाइड बाई रो वन इंटू एल लिखा गया थ्री पाई आर का स्क्वायर डिवाइड बाई रो टू इन ट्वेल्व सॉरी सही लिखा था हाँ जी अब देखिये लिखेंगे वन इंटू रो टू साथ में कितना गया बेटा इस पूरे में से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे यहां पे आएगा टू और यहां लिखा जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ रो वन जी सर थ्री टाइम्स ऑफ रो वन अगर आप इसको रिवर्स कर देते हो जी तो लिखा जाएगा रोवन इंटू रो टू बाई एल डिवाइड बाई पाई आर का स्क्वायर रो टू एंड प्लस थ्री टाइम्स ऑफ रो वन दिस नेट रजिस्टेंस ऑफ सर्किट इसका जो नेट रजिस्टेंस होगा वो इतने के क्या होगा बराबर होगा राइट तो यह भी आपका एक क्वेश्चन था सर रजिस्टिविटी बेस्ड ठीक है सर चलिए आप आगे बढ़ते हैं सर सुनेगा सर रजिस्टिविटी किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर से कैंट के फ्लो का क्या करती अपोज करती डेट इज कॉल रजिस्टिविटी तो कंडक्टिविटी क्या हुआ कंडक्टिविटी एक्चुअल में रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कैसे ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो अपने अपने अंदर से कैंड के फ्लो का फेवर करती है मतलब जो अपने अंदर से कैंड के फ्लो का वेलकम करे उसे कहेंगे कंडक्टिविटी एंड जो कैंड के फ्लो का अपोज करे उसे क्या कहते हैं रेजिस्टिविटी सर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी जिसे आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा सब बोला गया कंडक्टिविटी इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी यस उल्टा होता है सर फार्मूला सर लिखा गया आर ए बाई एल तो रिवर्स कर दिया गया लिखा गया L बाई आर एल बाई आर अब आया यूनिट ऑफ दिस वन बाय बेटा तो लिखा गया ओम मीटर यही था बेटा इसका इसे ऊपर ले आओगे तो लिखा गया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तो कंडक्टिविटी यस सर ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी उल्टा होगा सर फॉर्मुला रखे दीजिएगा उल्टा हो जाएगा यूनिट भी क्या होगी उल्टी हो जाएगी अब सुनिए रेजिस्टिविटी कारिपेंटेटिव है रेजिस्टेंस तो कंडक्टिविटी कारिपेंटेटिव है कंडक्टेंस क्या बोलते हैं कंडक्टेंस सर जिस तरह से कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की उल्टी होती है उस तरह से कंडक्टेंस भी क्या होता है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है तो आइए अब लिखते हैं कंडक्टेंस सर, कंडक्टेंस सिंबल है बेटा सी सर सी इक्वल्स टू वन बाई आर यस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस सिंपल अगर कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की उल्टी है रिप्रेटेटिव रेजिस्टेंस तो कंडक्टिविटी का रिप्रेटेटिव कंडक्टेंस हुआ तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस क्या क्या होगा उल्टा हो जाएगा आइए सर सर यूनिट बेटा ओम यस इसे लिखा जाएगा ओम इनवर्स या फिर एम एच ओ या फिर साइमन ठीक है सर ओम इनवर्स एम एच ओ मो या फिर साइमन दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस तो कंडक्टिविटी से कंडक्टेंस रेजिस्टिविटी से रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की उल्टी है दैट्स वाई कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का भी क्या होगा उल्टा होगा क्लियर चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर सर टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है भाई ऑल द कंडक्टर्स विच हैव हाई रेजिस्टिविटी विच हैव हाई रेजिस्टिविटी हाई मेटिंग एंड पॉइंट All conductors which have high resistivity, high melting and boiling points are called as standard resistance. Yes, sir. Resistivity high. Sir, melting point and boiling point. Don't cabolo high. Like Nichrome. Dusra, tungsten, Third, eureka, Fourth, manganese. पांचवा टंगस्टन यूरेका नाइक्रोमिन कॉन्स्टेन और दीज आर स्टैंडर्ड रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है और मेटिकल बॉलिंग पॉइंट भी क्या होता है ज्यादा होता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ये हमारे घर में लगा हुआ इलेक्ट्रिकल बल्ब है बल्ब है बल्ब जिसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है राइट ध्यान सुनो और जिस वायर से सप्लाई आ रही है हमारी डोमेस्टिक वायरिंग है मान लो वो कॉपर का है भैया यहां से कैंट आया यहां यहां से से होता हुआ वापस यहां से चलो चला गया देखो सर ये जो फिलामेंट है बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है रेड हॉट खून की तरह गरम हो जाता है लेकिन जो वायरिंग हुई कॉपर की क्या वो ऐसा होता है खून की तरह गर्म होता है नहीं होता है क्यों क्योंकि बेटा जी इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो जितने भी इलेक्ट्रिक एनर्जी इसको मिलेगी

दीज आर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, राइट चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट अब आता है फ्यूज वायर फ्यूज वायर जी ऑल द कंडक्टर्स विच हैव लो रेजिस्टिविटी सॉरी हाई रेजिस्टिविटी सॉरी हाई रेजिस्टिविटी बट लो मेल्टिंग एंड बॉलिंग पॉइंट रेजिस्टिव इसकी भी आई होती है लेकिन मेल्टिंग इन बॉलिंग पॉइंट क्या होता है लो होता है उसे कहते हैं फ्यूज वायर जी लेड like पीबी अब फ्यूज वायर क्या होता है मैं बताता हूं सर आपके घर में पोल से सप्लाई आई घर के अंदर तो बिजली का एक बोर्ड लगा होता है बड़ा सा वहां पे कटआउट्स लगे होते हैं चलो ध्यान से सुनो ये सप्लाई खंबे साहिड दो सौ बीस की ये बोर्ड लगा है सर और यहां से हम अपने घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायसेस इस्तेमाल करते हैं जिनकी रेटिंग ऑलमोस्ट टू ट्वेंटी बोल्ट होती है। मतलब वो सारे के साथ टू ट्वेंटी बोल्ट पे काम करते हैं अब यहां पे कटआउट लगा होता है ऐसे सप्लाई यहां से जाती है इसके अंदर इसके अंदर एक वायर लगा होगा ठीक है सर सर वो अगर आपका एक्चुअल फ्यूज है तो लड़का बना होना चाहिए तो होता क्या है सर दो सौ बीस वोल्ट की सप्लाई आ रही है प्रॉपरली दो सौ इंस्ट्रूमेंट्स वर्क कर रहे हैं करो किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से चार सौ बोर्ड की सप्लाई आ गई और वो सारी की सारी यहां से पास हुई तो आपके घर के सारे इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे सर भुग जाएंगे बर्न कर जाएंगे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे सर तो ऐसा होता है नहीं क्यों क्योंकि आपने अपने घर में एक स्टैंडर्ड फ्यूज वायर लगा रखा है क्या करेगा हीट कर लेगा एनर्जी वेस्ट करेगा हीट करेगा क्योंकि इसका मेडिकन बॉइलिंग पॉइंट कम है इसके फटाक से क्या होगा मेल्ट हो जाएगा अगर मेल्ट हो गया तो सर कनेक्शन क्या हो जाएगा टूट जाएगा टूट जाएगा तो क्या वो सप्लाई आगे जा पाएगी नहीं जा पाएगी सर आपके इंस्ट्रूमेंट हो गए फूकने से क्या होगा बच जाएगा तो दिस इज कॉल सेफ्टी डिवाइस आपको पता है जिस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर मैं पढ़ा रहा इसमें भी फ्यूज लगा होता है जहां से तार इन करता है ना वहां से आगे एक फ्यूज लगा दिया है क्यों लगा दिया था भाई इतनी महंगी चीज है भाई अगर एक्सेस सप्लाई आ गई और ये फूक गया तो उससे बचने के लिए फ्यूज लगा दिया गया फ्यूज अपने आप को क्या करेगा डिसबल कर देगा सप्लाई को ब्रेक कर देगा आगे जाएगी नहीं सर हमारी डिवाइस क्या होगी बच जाएगी यहां तक की इलेक्ट्रिक आयरन देखा है रेड कलर की लाइट जल्दी होती है इसके अंदर फ्यूज लगा होता है

कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी के बारे में सर ठीक है सर अब कुछ बातों को ध्यान से सुनेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर सर हमने लिखा यहां पर इनिशियल देखिए सर एक वायर लिया गया इसका इनिशियल रेजिस्टेंस आर वन है इसकी लेंथ L1 है एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड सर फाइनली कहा क्या गया सर इसे खींच दिया गया नॉट खींचा गया गर्म किया गया इसकी लंबाई एल टू हो गई सेंटीग्रेड भैया अगर लिख दिया मैंने टी टू ग्रेटर एल टू ग्रेटर देन, वन, तो एल ग्रेटर देन एल वन। ध्यान से सुनो तो लिखा गया डेल्टा T लिखा गया T2 टू माइनस टी और डेल्टा L सर लिखा गया L2 टू माइनस एलवन राइट आप हमें पढ़ाया गया था सर वी नो दैट क्लास इलेवन था कैप्टर का नाम था एल टू इक्वन सर वन प्लस एल्फा डेल्टा टी पढ़ाया गया था बेटा यस yes, और मैंने आपको पढ़ाया सर बट लिख करके बट रेजिस्टेंस डेट लिपोन टू लेंथ तो सर लीक नाइट आर टू इक्व टू आर वन वन प्लस एल्फा डेल्टा टी पहला फॉर्मा ये निकला सर किसका इफेक्ट स ड्यू टू द टेम्परेचर इस फॉर्मुले को देखो टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंटी क्या होगा आपका बढ़ेगा रिलेटेड होता है तो अगर हम यहाँ पे आर टू की जगह पर रो टू यानी रो वन और इधर से वन प्लस एल्फा डेल्टा टी डिपेंडेंसी किसकी होगी सर रेजिस्टिविटी की होगी सर अब एल्फा इसे कहा गया ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कॉफिशियंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड जैसे कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी इन इनपेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी कह सकते हैं सर सर यूनिट क्या होगी पर डिग्री सेंटीग्रेड अब कुछ बातें सर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हो सर कंडक्टर हो उनके लिए एल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है उनके लिए एल्फा की वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव होती है तो उसके लिए फॉर्मुला बनेगा रोटूक्स रो वन, वन एल्फा टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी सर लेकिन अगर बात करेंगे फॉर सेमी कंडक्टर फॉर सेमी कंडक्टर लाइक कार्बन जर्मेनियम सिलिकन सर जी इनके लिए एल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है तो फॉर्मूला बनेगा होगी वन, वन वन, वन मतलब आपकी बढ़ेगी सर राइट है तो सर एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स के दो फॉर्मूले रेजिस्टेंस के लिए और रेजिटिविटी के लिए ये होता है ठीक है सर सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका होता है रोटू इक्वरोल्फा डेल्टा टी हम यहीं से आपका स्टार्ट करेंगे सर तो आज मैंने आपको रेजिस्टिविटी के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए और ये आपको फॉर्मूला बताया अब इसके बिज पर नेक्स्ट पार्ट में मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम भी करूंगा ठीक है इन सारी चीजों का एक बार प्रैक्टिस किया न्यूमेरिकल्स का जो कराया मैंने और एमसीक्यू पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ठीक है आज मेरी क्लास ए खत्म होती है अपना ध्यान रखें इन चीजों का रिविजन करें खूब सारी मेहनत करें और नीट या जेई जिसमें भी आप सेक्शन लेना चाहते हैं लें ऐसी मेरी शुभकामनाएं थैंक यू धन्यवाद